इंद्र सिंह भारद्वाज ने अपने प्रतिद्वंदी जगदीश राणा को हराकर मंडी जिला में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का ताज अपने नाम कर लिया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के उपरांत इंद्र सिंह भारद्वाज ने नए कार्यकारिणी सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की और संघ के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम करने की बात कही। मंडी जिला के नेर चौक स्थित निशांत गेस्ट हाउस में आयोजित जिला मंडी प्राथमिक शिक्षक संघ के त्रिवार्षिक चुनाव में इंद्र सिंह भारद्वाज ने अपने प्रतिद्वंदी जगदीश राणा को हराकर जिला अध्यक्ष का पद अपने नाम किया। चुनाव परिणाम घोषित होने के उपरांत इंद्र सिंह भारद्वाज ने कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ शपथ भी ग्रहण की और संघ के लिए पूरी ईमानदारी व निष्ठा से काम करने का संघ के सदस्यों को भरोसा भी दिलवाया। इस अवसर पर अपने संबोधन में इंद्र सिंह भारद्वाज ने कहा कि संघ की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और संघ के सदस्यों ने जो उन पर भरोसा जताया है उसका वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा और उनका निपटारा करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इस अवसर पर हेमराज ठाकुर को प्रदेश डेलीगेट के रूप में भी चयनित किया गया। उन्होंने भी सभी सदस्यों का इस दायित्व देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी जिला के 22 खंडों के अध्यापक अध्यापिकाओं ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ मंडी का प्रधान बना करके जो मुझ पर और मेरी कार्यकारिणी पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने के लिए पूरे 3 वर्ष तक जी जान से काम करता रहूँगा। मैं इस टेन्योर से पहले 2012-15 में भी पीटीएफ मंडी का प्रधान रहा हूँ और मेरे दिमाग में पीटीएफ मंडी का प्रधान होने के नाते मंडी जिला के अध्यापकों की जो समस्याएं हैं वो पूरी मुझे याद हैं, समस्याएं मुझे पता हैं और उनका समाधान करने के लिए चाहे उपनिदेशक स्तर पर, चाहे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर, चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार तक जो है जो भी प्रयास करना होगा मैं उसके लिए जो है प्रयास रहूँगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपको बता दें कि जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह भारद्वाज और प्रदेश डेलीगेट के रूप में चुने गए हेमराज ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र से संबंध रखते हैं और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों के संघ के सदस्यों को शिक्षकों की समस्याओं का निपटारा होने की कुछ ज्यादा उम्मीद है। इस उम्मीदों पर दोनों ही शिक्षक नेता कितने खरे उतरते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।